हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलस्ट्रेटर। आज हम बात करेंगे लायन किंग मूवी के बारे में और वीडियो में स्पॉयलर्स हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले मूवी देखो क्योंकि मूवी के जो VFX हैं उनका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते। इस मूवी में जो एनिमल्स हैं वो असली हैं या VFX से बने हैं ये बताना ही मुश्किल है। मूवी का पहला पार्ट 1994 में आया था और इसके सक्सेस के बाद इसके वीडियो गेम्स, शॉर्ट सीरीज, टेलीविजन मूवीज, म्यूजिकल, मर्चेंडाइज क्या क्या ही नहीं आए। अब 1994 वाली स्टोरी का ही रीमेक बना 2019 में जिसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल सेम है, इवन सीन्स भी सेम है। बस 2019 वाली कंप्यूटर एनिमेटेड रीमेक है और 1994 वाली ट्रेडिशनल एनिमेशन है जिसे कि आर्टिस्ट ने पेंसिल एंड कलर से ड्राइंग करके पूरी मूवी को बनाया था। सो लॉट्स ऑफ फैक्ट्स, पर आज हम मूवी की स्टोरी को जानेंगे तो स्टोरी से पहले थोड़ा इनके कैरेक्टर को जान लेते हैं। सो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है सिम्बा, मुफासा का बेटा। मुफासा जंगल का राजा है जिसका नाम है द प्राइड लैंड और सिम्बा वहाँ का राजकुमार है। मुफासा अपने किंगडम को प्यार और कोऑपरेशन से चलाता है और सभी एनिमल्स आपस में कोऑर्डिनेशन से रहते हैं। वो सर्कल ऑफ लाइफ पर बिलीव करता है जिसमें कि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सिम्बा अभी छोटा है पर उसे राजा बनने और बड़े होने की बड़ी जल्दी है। मुफासा एक बहुत अच्छे पिता है और वो सिम्बा को हमेशा सही राह दिखाते हैं और अच्छी सीख देते हैं। ये सब लायंस साथ में प्राइड रॉक में रहते हैं। अब है सिम्बा के अंकल यानी चाचा स्कार। इन्हें मुफासा के राजा बनने से खुशी नहीं है और ये सोचते थे कि मुफासा के बाद मैं ही राजा बनूंगा, पर अब सिम्बा के पैदा होने के बाद सब उसे ही अपना अगला राजा मानते हैं और ये स्कार को पसंद नहीं है। सराबी है सिम्बा की माँ, सराबी इनका नाम है। नाला जो कि सिम्बा के बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है और सब ये मानते हैं कि ये दोनों बड़े होकर शादी करेंगे और नाला प्राइड लैंड की क्वीन होगी। अब है टिमोन और पुम्बा। टिमोन एक मीरा कैट है और पुम्बा एक वार्थॉग, वार्थॉग पिग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये दोनों दोस्त हैं और हमेशा साथ रहते हैं। इनकी लाइफ का मंत्र है हकूना मटाटा, मतलब कोई चिंता नहीं। जाजू एक अफ्रीकन रेड बिल्ड हॉर्नबिल है, बेसिकली एक बर्ड फैमिली से है और मुफासा और किंग फैमिली के रॉयल एडवाइजर है। रफीकी एक मैंड्रिल है और इन्हें स्पिरिट वर्ल्ड की नॉलेज है, मतलब जंगल के काइंड ऑफ पंडित है। ये प्राइड लैंड के सबसे अच्छे एडवाइजर है और ऐसा हमेशा इनकी राय लेते हैं और मानते भी हैं। सो स्टोरी के शुरू में हम देखते हैं कि जंगल के सारे एनिमल कहीं जा रहे थे। एलिफेंट, बर्ड्स, जिराफ, जेब्रा, डियर, हिप्पोपोटामस सब एक जगह पहुंचते हैं जहां प्राइड रॉक के एक ऊंची से टीले पे मुफासा खड़े थे। जाजू बर्ड जाकर मुफासा को ग्रीट करते हैं। तभी रफीकी वहां आते हैं और मुफासा के सर पर हाथ रखकर उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। फिर वो सराबी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि सिम्बा उनके गोद में सोए हुए थे। वो अपने साथ एक लाल कलर की लकड़ी लाए थे जिसे तोड़कर उसका लाल रंग बनाते हैं, सिम्बा के सर पे लगा देते हैं तिलक की तरह। फिर उसे गोद में लेकर वो पूरे जंगल के सामने उसे दिखाते हैं। सारे जंगल के जानवर खुशी से नाचने झूमने लग जाते हैं अपना अगला होने वाले राजा को देखकर। सीन शिफ्ट होकर स्कार की गुफा में जाता है जहां जाजू स्कार को इन्फॉर्म करता है कि मुफासा तुमसे मिलने आ रहे हैं, पर स्कार खुन्नस में जाजू पर ही अटैक करने लग जाता है। तभी मुफासा वहां आते हैं तो स्कार जाजू को छोड़ देता है। मुफासा स्कार से पूछते हैं कि तुम सिम्बा के प्रेजेंटेशन में क्यों नहीं आए। स्कार बहुत ढीले तरीके से बोल देता है कि शायद मैं भूल गया होऊंगा। स्कार बोलता है कि मुझे अगला राजा बनना चाहिए था, तो मुफासा जवाब देते हैं कि तुम्हारा अगला राजा अब सिम्बा होगा, तो स्कार वहां से चला जाता है। मुफासा चिंतित है कि स्कार मेरा अपना भाई है, मैं इसे कैसे समझाऊं। जाजू बोलते हैं कि आपको इन्हें प्राइड लैंड से निकाल देना चाहिए। मुफासा बोलते हैं कि जब तक मैं राजा हूं स्कार यहीं रहेगा, वो मेरा परिवार है। अगली सुबह मुफासा सिम्बा को प्राइड लैंड का टूर देने वाले थे और सिम्बा बहुत एक्साइटेड था। वो सुबह सुबह मुफासा को उठाता है कि चलो प्राइड लैंड में ऑर्डर देने। फिर मुफासा सिम्बा को एक बड़े से टीले पर ले जाते हैं और बताते हैं कि सूरज की रोशनी जहाँ जहाँ पड़ती है वो पूरी जगह हमारी है और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब तुम्हारा होगा, जिसकी सुरक्षा करना तुम्हारी ड्यूटी होगी। मुफासा बताते हैं कि एक ट्रू किंग हमेशा देने की सोचता है और ये सोचता है कि अपने किंगडम को प्यार से कैसे रखे। और मुफासा सिम्बा को एलिफेंट ग्रेवयार्ड में कभी नहीं जाने की वार्निंग भी देते हैं। मुफासा सिम्बा को बताते हैं कि जंगल में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और तुम्हें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक छोटी एंट से लेकर एक बड़ा एलिफेंट भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है।
तभी वहाँ जाजू आते हैं और पूरे जंगल की रिपोर्ट मुफासा को देते हैं, जैसा किसने कहाँ क्या क्या किया है। मुफासा सिम्बा को पाउंस करने की टेक्निक बताते हैं और दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जाजू बताते हैं कि हाइना प्राइड लाइन में घुस गए हैं और शिकार कर रहे हैं। मुफासा सिम्बा को प्राइड रॉक यानी उनके घर जाने को बोलकर उधर चल देता है। सिम्बा मुफासा के साथ जाना चाहता था पर जाजू उसे जबरदस्ती घर ले जाते हैं। अब वहाँ एक कीड़ा का पीछा करते करते सिम्बा स्कार की गुफा में पहुँच जाता है। स्कार उसे बोलते हैं कि अपने घर जाओ क्योंकि मैं बच्चों की देखभाल नहीं करता। तब सिम्बा बोलता है कि मैं एक दिन प्राइड लैंड का राजा बनूंगा और आज मुझे पापा ने पूरा किंगडम दिखाया है और सोचो जब मैं राजा बनूंगा तो आपको भी मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। ये बात स्कार को बहुत चुभती है। वो सिम्बा से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पापा ने डार्क लैंड दिखाया नॉर्दर्न बॉर्डर के बाहर। सिम्बा बोलता है नहीं, उन्होंने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। स्कार अब जानबूझ के सिम्बा को उकसाता है कि हाँ वहाँ बच्चे नहीं जा सकते, वो एलिफेंट ग्रेवयार्ड है। अब सिम्बा को वहाँ जाकर देखने की इच्छा और ज्यादा हो गई थी। सिम्बा तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और वहाँ झूठ बोलता है कि हम बस पानी के पास जा रहे हैं। शराबी बोलती है कि जाजू भी तुम्हारे साथ जाएगा वरना तुम लोग भी नहीं जाओगे। सिम्बा नाला को रास्ते में बताता है कि हम एलिफेंट ग्रेवयार्ड में जा रहे हैं। नाला डरती है फिर मान जाती है। अब उनको जाजू से पीछा छुड़ाना था ताकि जाजू उनको वहाँ जाने से नहीं रोके। वो दोनों बहुत सारे जानवरों के बीच से भागकर कैसे भी जाजू से पीछा छुड़ा लेते हैं। वो दोनों अब एलिफेंट ग्रेवयार्ड पहुँच गए थे और वहाँ का नजारा देखने लग गए। वो दोनों इधर उधर देख के एलिफेंट ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे। नाला बोलती है कि हम प्राइड लैंड से बहुत दूर निकल आए हैं, अब हमें वापस चलना चाहिए। पर सिम्बा को तो ये था कि मुझे कोई छोटा बच्चा ना समझे। तभी वहाँ बहुत सारे हाइनाज आ जाते हैं और सिम्बा और नाला को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ सेंजी जो कि सारे हाइनाज के लीडर है आती है और उन पर अटैक करने वाली होती है कि जाजू वहाँ आते हैं और उसे बोलते हैं कि इन्हें जाने दो, बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई। सेंजी नहीं मानती और सिम्बा पर फिर भी अटैक करने लग जाती है। सिम्बा इधर उधर भाग कर अपनी जान बचाता है पर वो लोग लास्टली उसे पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ मुफासा आ जाते हैं और सब हाइनाज को वहाँ से भगाते हैं और सेंजी को वार्निंग देते हैं कि तुम कभी मेरे बेटे के आसपास भी मत आना। अब मुफासा सबको घर वापस लाते हैं और नाला को जाजू के साथ घर भेज देते हैं। फिर वो सिम्बा को समझाते हैं कि तुमने आज जो किया अच्छा नहीं किया, सबसे बड़ी बात ये कि तुमने नाला को भी डेंजर में डाला। सिम्बा बोलते हैं कि मैं बस आपको बताना चाहता था कि मैं भी आपकी तरह बहुत ताकतवर हूँ। मुफासा उसे समझाते हैं कि मैं तभी अपनी शक्ति दिखाता हूँ जब जरूरत हो, ऐसे कभी नहीं। आज मैं डर गया था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। उसी रात स्कार हाइनास से मिलने जाता है और उन्हें बोलता है कि हम मुफासा को मार देंगे और प्राइड लैंड का राजा मैं बनूंगा। उसके बाद हाइनास जहाँ चाहेंगे वहाँ अंटिक करेंगे और जितना चाहेंगे उतना खाना खाएंगे। और स्कार वहाँ हाइनास को तैयार रहने को बोलते हैं। स्कार हाइनास को बताते हैं कि हमें ये सब बहुत प्लानिंग से करना होगा। अब स्कार सिम्बा को लेकर ऐसी जगह जाते हैं जो पहाड़ों से घिरी हुई थी और बहुत संकरी थी और वो सिम्बा को बोलते हैं कि अगर तुम अपनी दहाड़ यानी रोअर करना सीख लोगे तो तुम्हें कोई बच्चा नहीं समझेगा और मुफासा भी तुमसे बहुत खुश होंगे। बस तुम्हें इतनी जोर से रोअर करना है कि तुम्हारी आवाज इन पत्थरों के ऊपर तक जाए। स्कार फिर सिम्बा को वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। उधर ऊपर सारे हाइनास खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अब सिम्बा जब वहाँ अकेला था तो वो महसूस करता है कि पत्थर कांप रहे हैं और अचानक से बहुत सारे वाइल्डर बीस्ट यानी हिरन आते हैं। इन सबको हाइनास ने ही उधर भेजा था। सिम्बा बहुत डर गया और भागने लगा। वो कुछ पत्थरों के पीछे छिपा पर वो पत्थर टूट गए। फिर वो एक पेड़ पे चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। तभी स्कार जाकर मुफासा को बताते हैं कि सिम्बा वहाँ हिरनों के स्टैम्पेड के बीच में फंसा हुआ है। मुफासा जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। जाजो सिम्बा को खोजता है। फिर मुफासा जाकर सिम्बा को एक ऊंचे जगह पर सेफली रख देते हैं और खुद भी पत्थरों की दीवार चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं। पर ऊपर स्कार था और जब मुफासा स्कार से हेल्प मांगते हैं तो स्कार उस पर हमला करके नीचे गिरा देते हैं। सिम्बा ये नहीं देख पाता कि स्कार ने मुफासा को धक्का दिया है। जाजू भी उस वक्त प्राइड रॉक गए हुए थे हेल्प लाने। अब जब सारे हिरन चले गए तो सिम्बा जल्दी से नीचे जाकर मुफासा को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि मुफासा अब मर चुके थे। वो वहीं उनकी गोद में जाकर सो जाता है। तभी वहाँ स्कार आता है और बोलता है कि सिम्बा ये तुमने क्या किया, अगर तुम न होते तो मुफासा अभी जिंदा होते। तुम्हारी माँ क्या सोचेगी, तुमने अपने पिता की जान ले ली। सिम्बा रोकर पूछता है कि अब मैं क्या करूँगा। स्कार उसे बोलते हैं कि भाग जाओ यहाँ से और फिर कभी प्राइड लैंड मत आना। फिर हाइनास को सिम्बा के पीछे भेज देते हैं कि जाओ और उसे मार दो। सिम्बा कैसे भी भाग कर अपनी जान बचाता है पर आगे एक क्लिफ से गिर जाता है। बाकी हाइनास को लगता है कि सिम्बा मर गया पर सिम्बा वहीं छुपा बैठा था। अब वो वहाँ से
उतर कर जाने लगते हैं और एक लास्ट बार मुड़कर प्राइड लाइन की तरफ देखता है, फिर वहाँ से दूर और बहुत दूर चला जाता है। अब स्कार सबके सामने बोलते हैं कि मुफासा और सिम्बा नहीं रहे तो मैं ही नया किंग हूँ, और वो सारे हाइनास को प्राइड लाइन में आने की परमिशन भी दे देते हैं। सब लायंस बहुत डरे हुए थे पर किंग के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता। रफीकी और जाजो भी दूर से बैठ कर ये सब देख रहे थे। सिम्बा चलते चलते बहुत दूर निकल गया है, अब वो एक डेजर्ट में पहुँच गया है और कमजोरी की वजह से अब सिम्बा बेहोश हो जाता है। तभी कुछ वल्चर्स सिम्बा को खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन पुम्बा दौड़ता हुआ आता है और सबको भगा देता है। टिमोन डर जाता है कि ये लायन का बच्चा है जो बड़ा होकर हमें खा जाएगा, पर पुम्बा उसे कन्विंस करता है कि ये बड़ा होकर हमारी साइड भी ले सकता है, और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसे अपने साथ रखेंगे। तभी सिम्बा जाग जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है पास्ट में और मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। टिमोन उसे बताता है कि हम पास्ट को नहीं बदल सकते पर हम फ्यूचर को बदल सकते हैं, और हमारा मंत्र है हकुना मटाटा, मतलब कोई चिंता नहीं। फिर सब हकुना मटाटा का गाना गाते हैं और साथ चलने लग जाते हैं। चलते चलते वो लोग टिमोन और पुम्बा के घर पहुंच जाते हैं जहां उसके बहुत सारे और फ्रेंड्स भी थे। वो लोग सिम्बा को देखकर बोलते हैं कि तुम हमें मत खाना। फिर टिमोन और पुम्बा सिम्बा को इंसेक्ट खाना सिखाते हैं। अब सिम्बा बड़ा हो गया है और टिमोन और पुम्बा और सिम्बा सब हकुना मटाटा का गाना गा रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है प्राइड लाइन पर, जहां स्कार और हाइनास पूरे प्राइड लाइन में हंटिंग करते थे और बहुत सारे जानवरों को मार देते थे। हाइनास हमेशा शराबी और बाकी लायनस पर नजर बनाए रखते थे। जाजू छुप कर उन लोगों से मिलने आता था तो हाइनास उसे भगा देते थे। स्कार शराबी को बुलाकर अपने साथ आने का ऑफर देता है जो शराबी ठुकरा देती है, तो स्कार गुस्से में उसके खाने का पोर्शन कम कर देता है। अब नाला भी बड़ी हो चुकी है और वो ये सब देखकर दुखी है और बोलती है कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। एक रात वो छिपकर प्राइड लाइन से भाग जाती है। अब सिम्बा अपनी न्यू लाइफ में पूरा एडजस्ट हो गया है और टिमोन और पुम्बा के साथ हमेशा इंसेक्ट खाता है और सोता है। सिम्बा भी अपने पापा यानी मुफासा को याद करता है और आसमान में तारों की ओर देखता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे एक बार कहा था कि आसमान के तारे हमारे पुराने किंग्स होते हैं जो हमेशा हमें देखते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। रफीकी को एक बाल का टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि सिम्बा अभी जिंदा है, और अभी तक प्राइड लाइन में ये सब समझ रहे थे कि सिम्बा मर चुका है। अब नाला वहाँ पहुँच जाती है जहाँ सिम्बा रहता था, और वो टिमोन और पुम्बा पर अटैक करने ही वाली थी कि सिम्बा बीच में आता है और पुम्बा को बचाता है। फिर दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नाला बोलती है कि सिम्बा तुम्हें वापस आना होगा, अपने किंग की जगह को लेना होगा। स्कार ने हाइनास के साथ मिलकर प्राइड लाइन को टेक ओवर कर लिया है, पर सिम्बा बोलता है कि नाला तुम भी यही रहो, अब यही मेरा घर है, मैं वापस नहीं आऊंगा। अब सिम्बा को डर लग रहा था कि नाला को पता चलेगा कि मेरे पापा मुफासा मेरी वजह से मारे गए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। वही नाला बस सिम्बा को कन्विंस करके प्राइड लाइन का किंग बनते हुए देखना चाहती थी। सिम्बा पहली बार किसी और लायन को देख रहा था तो उसके एक्शंस भी कॉपी कर रहा था। सिम्बा और नाला आपस में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नाला सिम्बा को फिर से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम्हें प्राइड लाइन चल के स्कार को चैलेंज करना चाहिए, पर सिम्बा नहीं मानता और नाला भी वहाँ से चली जाती है। तब रफीकी सिम्बा से मिलने आते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ और वो अभी भी है। सिम्बा बोलता है कि मुझे उनसे मिलना है, तो रफीकी उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ सिम्बा को वो पानी में देखने को बोलते हैं, और जब सिम्बा पानी में देखता है तो उसे मुफासा दिखाई देते हैं। फिर बादल कड़कने लग जाते हैं और बादलों से आवाज आती है कि सिम्बा याद करो तुम कौन हो, ये मुफासा की आवाज थी, और अब अपनी जिम्मेदारी को उठाओ क्योंकि उसका समय आ गया है। तब सिम्बा उनकी बातों को समझता है और प्राइड लैंड की ओर निकल जाता है और साथ में नाला को भी ले लेता है कि चलो घर चलो। सिम्बा प्राइड लैंड पहुँच जाता है और वहाँ का नजारा देखकर दुखी था। वहाँ के तालाब सूख गए थे और हर जगह बस जानवरों के कंकाल पड़े हुए, सारे पेड़ पौधे भी सूख गए थे। जाजू आते हैं और सिम्बा को ग्रीट करते हैं। पीछे से टिमोन और पुम्बा भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे फ्रेंड हो, हमें तुम्हारी चिंता थी। अब प्राइड लाइन में स्कार शराबी को उससे शादी करने के लिए बोल रहा था, पर शराबी नहीं मान रही थी, इसलिए स्कार अब शराबी पर अटैक करने लग जाते हैं। तभी सिम्बा वहाँ आता है और स्कार को वार्निंग देता है कि मेरी माँ से दूर हटो। अभी तक वहाँ सभी यही समझ रहे थे कि सिम्बा मारा जा चुका है, पर जब स्कार देखता है कि सिम्बा जिंदा है तो वो हाइनास पर गुस्सा करता है और शराबी उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब जब सिम्बा स्कार को बोलता है कि राजा की पोजीशन से हट जाओ या मुझसे फाइट करो, तब स्कार फिर से सिम्बा को मैनिपुलेट करने लगता है कि कैसा लगता है जब आप जिससे प्यार करते हैं आप उसी की मौत का कारण भी हो, और वो सबको बताता है कि मुफासा की मौत का कारण सिम्बा ही है। अगर उस दिन सिम्बा नहीं होता तो मुफासा आज जिंदा होता।
जानते। सिम्बा अब उदास होने लगता है और इन बातों से, और स्कार उसे क्लिफ के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। बिजली चमकती और वहाँ एक सूखे पेड़ों में आग लग जाती है। अब स्कार सिम्बा को अपना सीक्रेट बताता है कि ये तो कुछ वैसा ही है जैसा मैंने पहले देखा है, और वो बोलता है कि मुफासा भी मरने से पहले ऐसे ही दिख रहे थे, और वो बोलता है कि मैंने मुफासा को मारा। अब सिम्बा और बाकी लायंस भी ये समझ जाते हैं कि क्या हुआ होगा और स्कार इतने दिनों से झूठ बोल रहा था। अब सारे हाइनाज और लायंस के बीच में फाइट होती है, जिसे कि सारी लायनेस भी ज्वाइन करती हैं। पुम्बा भी बहुत सारे हाइनाज को मारकर गिरा देता है। जाजू और रफीकी भी फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब सिम्बा देखता है कि स्कार वहाँ से भाग रहा होता है, तो वो उसका पीछा करता है। स्कार एक बहुत ऊंचे से क्लिफ पर चला जाता है और सिम्बा से माफी मांगने लग जाता है। बोलता है कि सब मुझसे हाइनाज ने करवाया था, मैं उन सबको मार दूंगा। सिम्बा उसे माफ भी कर देता है और बोलता है कि प्राइड लैंड से चले जाओ। पर स्कार पीछे से सिम्बा पर फिर से अटैक करता है और दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें स्कार आखिरकार क्लिफ से नीचे गिर जाता है। नीचे हाइनाज थे जो अब स्कार पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं, क्योंकि हाइनाज ने सिम्बा और स्कार के बीच की बातें भी सुन ली थी। अब सारे लायन मिलते हैं, रफीकी भी आते हैं और सिम्बा को वैसे ही ब्लेसिंग देते हैं जैसे वो मुफासा को दिया करते थे। सिम्बा एक बड़े से टीले पर जाता है और एक मैग्निफिशेंट रोर करता है। अब प्राइड लैंड पहले की तरह हरा भरा हो गया है, हर जगह हरियाली है और हर सुबह की तरह सारे एनिमल्स इकट्ठा होते हैं और सिम्बा को ग्रीट करते हैं। अब नाला सिम्बा की क्वीन है और रफीकी एक नए कब को दिखाते हैं जो कि सिम्बा का बेटा लगता है। सो मूवी यहीं खत्म हो जाती है और लायन किंग आज भी बहुत से लोगों के बचपन की यादें ताजा कर देती है। So, if you like to watch more as such, then hop on to Movies Illustrator Express and ring the bell so you don't miss the train. Bye-bye, ta-ta!